Hey everyone, assalamu alaikum. After so long, I have uploaded a video, finally. I know it's been long. You know, video banane ke liye aapko motivation ki zarurat hoti hai, jo ki meri bilkul zero thi. But now I am back. I got myself this mask. In fact, the world's most powerful mask, according to the company. So I thought ki iske results aapke saath share kiye jaye. I have used this mask 3 times and I am amazed by the results, guys. So iska naam hai Aztec Secret Indian Healing Clay Mask hai ye, aur ye deep cleansing karta hai skin ki. Iske bare mein bahut sare reviews hain internet pe aur zyadatar acche reviews hain. Pakistan mein aaram se nahi milta to maine UK se mangwaya. Bade ek website hai Cosmetic Planet ke naam se aur unka Facebook page bhi hai. Wahan par maine dekha tha ye sale kar rahe hain, I think 2100 mein. So aap wahan se le sakte hain. Acha, isko use kaise karna hai? Directions mein ye bataya hai ki aap isko water ke saath bhi यूज कर सकते हैं और एप्पल साइडर विनेगर, रॉ एप्पल साइडर विनेगर के साथ ही यूज कर सकते हैं. और लोग कहते हैं कि अगर एप्पल साइडर विनेगर के साथ यूज करेंगे तो रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको पानी के साथ यूज करें. वंस अ वीक आपने इसको यूज करना है, आई थिंक दैट्स इनफ. बहुत ज्यादा भी यूज ना करें. वैसे तो मेरे फेस पे एक्नी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट एक पिंपल निकल आया एंड दे क्लेम कि ये एक्नी के लिए बहुत अच्छा है. तो मैंने इसको ट्राई किया एंड बिलीव मी दैट पिंपल गॉट डिसअपीयर्ड. सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड. सो लेट्स गो एंड मेक इट फर्स्ट. तो ये चीज़ें आपको चाहिए. डायरेक्शंस में इन्होंने बताया हुआ है कि आपने मेटल का स्पून या मेटल का बोल आपने नहीं यूज़ करना. सो मैं ले रही हूँ, ये ग्लास का बोल है और साथ में प्लास्टिक का स्पून है और ये जो है स्पैचुला जिसकी हेल्प से मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ में फेस पे लगाऊंगी. और साथ में है क्ले और विनेगर, दोनों को आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, यानी कि पाउडर को भी और विनेगर को भी. गर्ल्स, इस एप्पल साइडर विनेगर की स्मेल यू नो बहुत बुरी होती है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है क्योंकि विनेगर से इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर. और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए. बिफोर अप्लाइंग ऑन योर फेस यू मेक श्योर दैट योर फेस इज़ नीट एंड क्लीन. आई मीन देयर शुडंट बी एनी मॉइस्चराइजर, एनी ऑयल, ऐसा कुछ आपके फेस पे नहीं लगा होना चाहिए. और अगर आपने फेस से वैक्स की है तो उसके फ़ौरन बाद भी आपने इसको नहीं यूज़ करना. सो ये इसकी कंसिस्टेंसी होगी. बालों को आपने बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, आपके फेस पे नहीं आने चाहिए. कोई भी हेड बैंड ले लें, उसको पहन लें और फिर इसको आराम आराम से अप्लाई करते जाना है. और मेक श्योर कि आपके आई एरिया में ये ना लगे, क्योंकि आपको पता है ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो कोशिश करें कि आईज़ के बिल्कुल करीब ना लेके जाएँ. आप इसको ब्रश की हेल्प से भी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो मास्क के लिए एक स्पेसिफिक ब्रश होता है. और अगर कुछ भी नहीं है तो अपने फिंगर्स यूज़ करें. जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं है और इतनी डेंजरस टाइप की नहीं है तो वो इसको यूज़ करें, आई एम श्योर दे विल लव इट. बट जिनका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं समझती हूँ इसको यूज़ नहीं करना चाहिए. एक तो इसमें विनेगर है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है. ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगा के रखेंगे और जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो इसको कोशिश करें कि 5 to 6 मिनट बाद ही वॉश कर लें. अच्छा, ये लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम से टाइट होना शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, बट दैट्स टोटली नॉर्मल. आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इसके ऊपर भी मेंशन है बॉटल पे कि आपको ऐसा फील होगा. तो अगर बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन हो रही है तब तो आप वॉश कर लें, लेकिन 10 मिनट तक बर्दाश्त कर लें. जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा, फेस पे थोड़े थोड़े से क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है. इवन वॉश करने के बाद आपके फेस पे रेडनेस भी आएगी जो कि 30 मिनट्स तक ऑलमोस्ट रहेगी, उससे भी आपने परेशान नहीं होना. अच्छा, मैंने फेस को वॉश कर लिया है तकरीबन 10 मिनट्स बाद और मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ किया है, क्योंकि बॉटल पे भी यही लिखा हुआ है. रेडनेस मेरे फेस पे भी हुई है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ी देर ये रहेगी. और 30 मिनट्स या 40 मिनट्स बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लेना है, क्योंकि स्किन एकदम से ड्राई हो जाएगी तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने यूज़ किया है सिंपल का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ सो गुड, आई एम इन लव विद इट. ये स्किन को हाइड्रेट करता है विदाउट ग्रीसीनेस, यानी लगता ही नहीं है कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है. एनीवेज, मेरा फेस नीट एंड क्लीन हो गया है, बट ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. नहीं, आपने तकरीबन इसको पूरा महीना यूज़ करना है, यानी वंस अ वीक, तो रिजल्ट्स आपको खुद मिलते जाएंगे. एक और चीज़ मैंने नोट की है कि इससे मेरे थोड़े से नोज से मेरे ब्लैक हेड्स भी रिमूव हुए हैं, क्योंकि वो एकदम से स्किन को टाइट किया होता है तो शायद उस वजह से वो निकल आते हैं या क्या.
एनीवेज आई एम रियली हैप्पी विद दैट. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो आपने यूज़ करना है और मुझे बताना है. कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना है. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.